चलिए, सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। लास्ट कहाँ पर हमने छोड़ा था उसके बारे में थोड़ी सी एक बात करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कैपिटल असेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्लस पीरियड ऑफ होल्डिंग के कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस भी समझे थे कि अगर आपका कुछ जैसे राइट्स इशू का केस है या बोनस का केस है, ऐसे जो कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, इन केसेस में कैसे पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाला जाता है। एंड लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन इज द चार्जेबिलिटी, मतलब आपके कैपिटल गेन्स एक्चुअली कौन से ईयर में अराइज होते हैं। सो स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी दिया है आपको सेक्शन 45 में। अब थोड़ा थोड़ा सा हमें सेक्शंस के ऊपर भी ध्यान देना शुरू करना है एज कम्पेयर टू इंटर। क्यों? क्योंकि आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सेक्शंस याद करना कंपलसरी है और आंसर में लिखना जरूरी है, ठीक है? इट्स नॉट कंपलसरी फॉर द आंसर्स। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, आपको नहीं याद आ रहा है सेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से कहीं तक उसके मार्क्स नहीं काटे जाते, ठीक है? मार्क्स कटते हैं सिर्फ गलत सेक्शन नंबर कोट करने के। बट कभी कभी आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन में मैंने पूछा व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट अ सेक्शन 45। तो अब यहाँ पर अपने को ये चीज क्लिक होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि 45 किस चीज का सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है बहुत बार, दैट स्टूडेंट्स नो द प्रोविजन, उन्हें पता होता है अच्छे से कि 45 में क्या दिया है, बट उन्हें ये नहीं क्लिक हो पाता कभी कभी कि 45 सेक्शन इसी चीज का है ना। सो ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जो सेक्शन में स्ट्रेस करूंगी, नॉर्मली इन पे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन नंबर से, तो वो जरूर से याद रखने की कोशिश करें। कुछ कुछ सेक्शंस तो अपने को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान भी याद हो जाते हैं, जो बार बार यूज में आते हैं, जैसे रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन। काफी बार हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स ऑडिट, इन सब चीजों के अगर हम काम करते हैं ऑफिस में, अगर आप लोग का टैक्स से रिलेटेड काम होगा, तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ सेक्शन हम लोगों को साथ के साथ ही याद हो जाते हैं ना। सो ये छोटी छोटी बातों पर भी अपने को ध्यान देना है। अब लास्ट हमने इंश्योरेंस रिसिप्ट के बारे में बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, या कोई पार्टनर बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आता है बाय वे ऑफ अ कैपिटल असेट, तब उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा और उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। ये दो केसेस हम लोगों ने डिस्कस करे थे। अब हमें बात करनी है इसके अलावा दूसरे केसेस के बारे में। सो 45(1)(b), दिस इज अगेन एन एडिशन। टेबल हम लोगों ने कल ही लिख लिया था, तो आप लोग भी साथ साथ नोट्स रेफर कर सकते हो। जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं है, आपको याद होगा मैंने कल एक एडिशनल चीज बताई थी आपको, जब हमने कैपिटल असेट की डेफिनेशन की बात करी थी, तो आई हैड टोल्ड यू दैट देयर इज अ न्यू कैपिटल असेट व्हिच इज एडेड टू द डेफिनेशन। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ 1010D बाय वे ऑफ प्रोविजो 4th और 5th, है ना, जो 1010D से बाहर हो गई है। किस कारण से बाहर हो गई है? 4th 5th प्रोविजो ऑफ 1010D, दैट इज 2,50,000 वाला जो हमने केस डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पर कैपिटल असेट हो जाती है। अब जब आप कोई कैपिटल असेट लेकर के आते हो, कोई नई कैपिटल असेट लेकर के आते हो, तो गवर्नमेंट को उसकी सारी चीजें बतानी पड़ती है। क्या क्या सारी चीजें? कि इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा, सेल कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, कौन से ईयर में टैक्सेबिलिटी लगेगी, वो सारी चीजें उसके बारे में क्लियर करना जरूरी हो जाता है। सो इंश्योरेंस का जो हमारा प्रोविजन है उसके नीचे ही, क्योंकि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, रिलेटेड टू इंश्योरेंस ही है, उसके नीचे एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, दैट इज 45(1)(b). और क्या बोला गया है यहाँ पर, कि जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं है और कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा। सो अगेन यहाँ पर भी वही चीज है, प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज रिसीव्ड, जो हमने ऊपर लिखा है कि जिस प्रीवियस ईयर में हमको ये अमाउंट रिसीव हुआ है, उस पर्टिकुलर ईयर में ये टैक्सेबल होगा। एंड जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, अगर उस पॉलिसी के ऊपर आपको बोनस वगैरह मिला है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, कुछ कुछ पॉलिसी में आपको प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट के साथ कुछ बोनसेस भी मिलते हैं जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं। जैसे आप कंटिन्यूअसली पिछले 10 साल से वहाँ पे पॉलिसीज ले रहे हो, रिन्यूअल हो रहा है आपका, आप अच्छे कस्टमर हो, सो बहुत बार वो लोग आपको एडिशनल पेमेंट्स भी करते हैं, बोनस भी देते हैं आपकी पॉलिसी के ऊपर। सो सिमिलरली यहाँ पर बोला है उन्होंने कि कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, तो कंसिडरेशन विल बी
ऑल द पेमेंट जो जो आपको उस पॉलिसी के अगेंस्ट रिसीव हुआ है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैच्योरिटी, इन बातों का ध्यान रखना है, हमने सिर्फ मैच्योरिटी प्रोसीड नहीं लिखा है, हमने बोला है एनी अमाउंट रिसीव्ड। तो उस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आपको मैच्योरिटी अमाउंट के साथ और कुछ भी मिला है तो उसको भी आप कंसिडरेशन ही ट्रीट करते हो ना। सो ये तो सिंपल सी चीज़ थी, हमारे जैसे इंश्योरेंस में हमने बात करी थी वैसा ही मिलता जुलता था कि जिस साल पैसा मिला है पहली चीज़ उस साल टैक्सेबल होगा, एंड दूसरा जितना मिला है उतना आपके हाथ में सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा। ये चीज़ आपको कंसिडरेशन के बारे में बताइए, हाँ ये नहीं बोला है कि दिस इज टैक्सेबल, हमने ये बात करी कि कंसिडरेशन किसको मानोगे, कितना कितनी सेल वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर, दैट इज अ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका कोई कैपिटल असेट है जो कि आपके स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है, तो इन दैट केस हाउ विल यू कैलकुलेट द टैक्सेबिलिटी और द कैपिटल गेन। सो यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी रहती है व्हेन यू कैलकुलेट योर टैक्सेबिलिटी, कि ये जो पर्टिकुलर असेट है ये पूरे समय, मतलब जब तक ये असेट आपके पास थी, ये पूरे समय कैपिटल असेट या पूरे समय बिजनेस असेट नहीं थी। सो टैक्सेबिलिटी ऑफ एन असेट विच इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में, कहीं पर आपको दिखेगा स्टॉक कन्वर्टेड इंटू कैपिटल असेट और कहीं पर आपको दिखेगा कैपिटल असेट कन्वर्टेड इंटू स्टॉक, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखें कि कैपिटल असेट टू स्टॉक अगर हुआ है तो क्या बोल रहे हैं वो, और इन्वेंट्री से कैपिटल असेट हुआ है तो क्या बोल रहे हैं। कल जब हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करी थी उसमें ये वाला कंडीशन था कि इन्वेंट्री से वो कैपिटल असेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल असेट थी, अब उसने उसको स्टॉक बना लिया, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जिस दिन तक वो पर्टिकुलर असेट आपकी बुक्स में एज अ कैपिटल असेट थी, सिर्फ उस पर्टिकुलर डेट तक की इनकम कैपिटल गेन हेड में जाएगी। वंस यू क्रॉस दैट डेट, आपकी इनकम कहाँ पर चली जाती है, बिजनेस हेड में चली जाती है। क्योंकि हमने क्लियर क्लियर कल बात करी कि अगर कोई अमाउंट, अगर कोई कैपिटल असेट आप, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। सो अगेन दिस बिकम्स अ बिट टेक्निकल पार्ट और अ बिट डिफरेंट पार्ट देन द नॉर्मल सेल परचेस ट्रांजेक्शन। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टैक्सेबिलिटी। तो क्या बोला है यहाँ पर अपने को, सपोज आपने 1 जनवरी 2015 को एक असेट खरीदी, उसको एज अ कैपिटल असेट यूज करना शुरू किया, फिर आपने उससे रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर लिया, एंड देन यू कन्वर्टेड योर कैपिटल असेट इनटू योर स्टॉक इन ट्रेड, से फॉर एग्जांपल ऑन 1st of April 2019, ठीक है। यहाँ पर 2015 से लेकर के 2019 तक ये असेट कैपिटल असेट थी, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी इनकम आया होगा, मतलब 2015 से लेकर के 2019 तक उस असेट की वैल्यू में जो भी ग्रोथ हुआ, उस असेट की वैल्यू में जो भी अप्रिसिएशन हुआ, दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। एंड उसके बाद, मतलब 19 के बाद, अब सपोज आपने इसको एक्चुअली बेचा है 2021 में, 19 से लेकर के बीच का जो भी गेन है, 19 का जो भी अप्रिसिएशन है, कैपिटल अप्रिसिएशन है, वो आपका चला जाता है पीजीबी। कैपिटल सेट ऑन अप्रैल 2019 एंड परचेज्ड स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा अज्यूम करो कि 1 अप्रैल 2019 को आपने ये जो असेट थी वो बाहर बेच दी और एक स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। ट्रीट एज टू प्लस ट्रांजैक्शन ट्रीट करो। यहां से लेकर के यहां तक का जो कैपिटल गेन निकालना है, इतना हिस्सा तो बिजनेस हेड जाएगा। तो अभी वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, करंटली वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा आपका कैपिटल गेन हेड में जाएगा, फॉर दैट योर सेल कंसिडरेशन विल बी, कितना आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन आपने आपकी कैपिटल असेट को यू हैव कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर सेल्स कंसिडरेशन। आप ऐसा मान लोगे कि आपने इस असेट को इतनी वैल्यू पे बेच दिया किसी को, एंड नॉर्मल जो आपने जितने खरीदा है उस कॉस्ट को इसमें से माइनस कर देंगे,
एंड देन यू विल गेट योर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस साल आप कन्वर्ट करते हो उस साल आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, टैक्सेबिलिटी आती है जिस साल आपका स्टॉक एक्चुअली ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो टैक्सेबिलिटी विल नॉट अराइज इन द ईयर इन विच इट इज कन्वर्टेड, टैक्सेबिलिटी विल अराइज इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज एक्चुअली ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी। ये असेट को आपने स्टॉक बना लिया और अभी स्टॉक जिस साल आपने बेचा है तो उसी साल आपकी दो हेड्स में टैक्सेबिलिटी आएगी फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, फर्स्ट पार्ट इन कैपिटल गेन, सेकेंड पार्ट इन बिजनेस हेड। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज कि इंडेक्सेशन, ना इंडेक्सेशन के बारे में हमें बेसिक है इसीलिए मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को ले रही हूँ, नहीं तो नॉर्मली आई फर्स्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड देन आई गो ऑन दिस पॉइंट, बट एज वी आर अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन दैट इंडेक्सेशन इज प्रोवाइडेड वेन एवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। द बेसिक कॉन्सेप्ट इंडेक्सेशन इज कि जब आपने खरीदा है और आज जब आप बेच रहे हो या आज जब ट्रांसफर अट्रैक्ट हो रहा है, इस पीरियड के बीच में आपके जो कंट्री है उसमें ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़े होंगे, आपकी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है। हम लोग सब सुनते हैं, हमारे फैमिली में सब बोलते हैं कि यार हमारे टाइम पर तो ये चीज़ इतने में मिलती थी, आज तो इतने में मिल रही है। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बेसिक अभी की फिलहाल जो चर्चा में चल रहा है कि पेट्रोल प्राइजेस। तो पेट्रोल प्राइजेस नॉर्मली इट हैपन्स कि अब जब फैमिली में कुछ बात हो रही होती है तो हमेशा पेरेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि यार उस समय पे जब हम कॉलेज जाया करते थे तो पेट्रोल का रेट इतना था, आज तो कहाँ ही पहुँच गया है पेट्रोल का रेट। सो दिस हैपन्स इन एनी इकोनॉमी इन एनी कंट्री कि इन्फ्लेशन के कारण जो ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है। ये सिर्फ एक पेट्रोल तो मैंने एग्जाम्पल लिया, हर ही चीज़ में आप बोल सकते हो कि आज से 20 साल पहले जितने में मिलती थी आज ऑब्वियसली उससे चीज़ें बढ़ी ही होंगी, है ना। आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ साथ कम होती चली जाती है। सो इंडेक्सेशन क्या करता है, उस असेट की कॉस्ट को आपके ट्रांसफर की डेट के कॉस्ट के साथ ला करके मैच कर देता है कि वो असेट आज खरीदी होती, अगर आज खरीदी होती तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी होती, ठीक है। सो इंडेक्सेशन कैलकुलेट करते वक्त आप इंडेक्सेशन लगाओगे 2019 तक, 21 तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर असेट कैपिटल असेट कब तक थी, 19 तक थी। सो वंस इट लूजेज इट्स इट्स एंटाइटलमेंट एज अ कैपिटल असेट, इट इज नो लॉन्गर इंटाइटल्ड फॉर इंडेक्सेशन। जैसे ही वो कैपिटल गेन हेड से बाहर आ गई, अब उसको इंडेक्सेशन लगाने का उस आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उस असेट का कोई राइट नहीं है कि अब वो और इंडेक्स हो। सो क्या बोला मैंने कि आप कैलकुलेशन करोगे, शुरुआत का हिस्सा कैपिटल गेन, सेकेंड हिस्सा पीजीबीपी, और जो इंडेक्सेशन लगाया जाएगा वो सिर्फ कब तक का लगाया जाएगा, डेट ऑफ कन्वर्जन तक का लगाया जाएगा। भले ही आप टैक्सेबल 2 साल बाद करोगे, 2 साल बाद टैक्सेबल होगा, 2021 में टैक्सेबल होगा, लेकिन उसका जो इंडेक्सेशन है वो 19 तक का ही लगाकर आप कैपिटल गेन्स कंप्यूट करोगे। सो इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं साथ के साथ ये, और एक प्रॉपर फ्लो चार्ट भी है मॉड्यूल में ताकि हमें वो चीज़ क्लियर हो जाए कि बिजनेस हेड में कितना इनकम जाता है और आपके कैपिटल गेन में कितना इनकम जाता है। तो लेट अस सॉल्व दिस वन स्मॉल क्वेश्चन। बस यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट फॉर आर असेसमेंट ईयर हमारा जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो चेंज हो चुका है। अगर आप अभी कभी मॉड्यूल वैसे सॉल्व करते भी हैं, स्पेसिफिकली कैपिटल गेन के लिए बता रही हूँ मैं कि आप ऑनलाइन ओपन करके सॉल्व करते भी हैं, तो आप अपने ही हिसाब से सॉल्व करो, है ना, क्योंकि अपने को आदत वैसी होनी चाहिए। तो हमारे प्रीवियस ईयर के लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई किया गया है दैट इज 317, तो हम 317 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम पिछले साल, क्वेश्चन में सॉल्यूशन हो सकता है आपको पिछले साल के हिसाब से मिलेगा, हमें इस साल के हिसाब से चलना है, ठीक है। सो क्या दिया है देखें, एक्स कन्वर्ट्स हिज कैपिटल असेट अक्वायर्ड ऑन 10th ऑफ जून 2003 फॉर 60,000 इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन मार्च 10, 2020, ठीक है। 10 जून 2003 को अक्वायर करी है और मार्च 10, 2020 को इसे कैपिटल असेट से स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये कैपिटल असेट था तो कैपिटल गेन में चार्जेबल होगा। ही सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक इन ट्रेड सो कन्वर्टेड फॉर 6 लाख्स ऑन जून 10, 2020, ठीक है। जून 10 को इसने इस पर्टिकुलर
असेट को सेल कर दिया, इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक का जो इनकम है वो बिजनेस इनकम में आएगा, और यहां से लेकर के यहां तक का जो इनकम है वो आपका कहाँ पर जाएगा, आपका कैपिटल गेन में जाएगा। अब कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, तो सेल कंसिडरेशन विल बी योर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन कन्वर्ट हुआ है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन में दी है फेयर मार्केट वैल्यू वॉज 5,50,000, सो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी 5,50,000, देन लेस आप करोगे कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन, सो हमने खरीदा था 2003 में 60,000, 2003 में खरीदा है, ट्रांसफर कब हुआ है, ट्रांसफर हुआ है 2020 में। अगर आपको याद होगा कल हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एंड ट्रांसफर की डेफिनेशन में बोला था कि व्हेन अ कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, इस इवेंट को ही ट्रांसफर माना जाता है। एक्चुअली स्टॉक बेचने तक रुकने की जरूरत सिर्फ टैक्सेबल करने के लिए है, कैलकुलेट आप पहले से करके रख सकते हो। तो 2020 में ये असेट ट्रांसफर हो गई, जैसे ही कैपिटल हेड से बाहर हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो आप इंडेक्सेशन कब तक का लगाओगे, 2019-20 का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों सालों का दिया रहेगा हमेशा, तो आपको ध्यान रखना है इंडेक्सेशन लगाया जाएगा 1920, प्रीवियस ईयर 1920, बिकॉज ट्रांसफर वॉज अट्रैक्टेड इन प्रीवियस ईयर 1920। 60,000 इंटू 289 अपॉन 109, जिस साल हमने खरीदा, एंड ये आप कर दोगे माइनस, तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय 109। तो कॉस्ट आ जाती है 159,083 माइनस 5,50,000, तो आपके हाथ में टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाता है 390,917, करेक्ट, विल बी टैक्सेबल। अब टैक्सेबल होगा कौन से ईयर में, जिस ईयर में ये स्टॉक एक्चुअली ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो ये केस वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, बट लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू अगेन कनेक्टेड, बिकॉज अगेन ये चीजें सारी अभी के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड का पूरा कैलकुलेशन सहित चीजें समझ में आई। इंडेक्सेशन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें हैबिट हो जाती है कि जिस साल का हम क्वेश्चन सॉल्व करें हम उसका इंडेक्सेशन ऊपर लिख देते हैं, बहुत बार ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि हाँ इस साल का है तो मल्टीप्लाई तो इसी से ही करना है, तो वो हमें ध्यान रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू कंपल्सरी अक्विजिशन। कंपल्सरी अक्विजिशन मतलब क्या, वो भी हमने कल बात करी थी, दैट अगर आपका लैंड कंपल्सरीली अक्वायर कर लिया है गवर्नमेंट ने किसी भी डेवलपमेंट पर्पजेज में या किसी भी कारण से, तो देन इट विल बी अगेन ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव होता है, द ईयर इन विच यू रिसीव योर कंपनसेशन विल बी द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, बिकॉज जब भी सरकार का काम आता है, यू वी ऑल नो दैट इट इज नॉट श्योर दैट व्हेन विल यू एक्चुअली रिसीव द अमाउंट। तो कंपनसेशन डिसाइड तो हो गया कि हाँ 10 लाख का कंपनसेशन देंगे मुआवजा आपको, लेकिन वो कंपनसेशन आते 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 पता नहीं कितने ही साल लग जाए, तो आपसे पहले टैक्स नहीं लिया जाएगा, अक्रूअल जैसे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। द डे द ईयर इन विच यू रिसीव द अमाउंट एक्चुअली इन दैट पर्टिकुलर ईयर योर टैक्सेबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड, एंड द अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर असेट इन एक्सचेंज ऑफ द कंपल्सरी अक्विजिशन दैट अमाउंट विल बी योर टीम्ड सेल कंसिडरेशन। तो ये तो सीधा हिसाब है कि लैंड गई, बदले में कंपनसेशन मिला, कंपनसेशन जितना मिला वो सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन पूरी नॉर्मल हो जाएगी जैसा हमने अभी तक सीखा या जैसा हमने आज तक किया है। दिक्कत आती है दो केसेस में, अगर ये कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ जाए तो, या अगर ये कंपनसेशन का अमाउंट कम हो जाए, दोनों चीजें पॉसिबल है। If the compensation amount increases, that is known as enhanced compensation. If the amount of compensation increases, पहले डिसाइड हुआ था कि 10 लाख का कंपनसेशन देंगे और फिर बाद में आपने कोर्ट में केस करा कि इतनी बढ़िया लैंड है, इतनी अच्छी लैंड है, मार्केट में मैं बेचूंगी तो 15 के नीचे मुझे 1 रुपये नहीं जाएंगे, 15 तो कम से कम मुझे मिलेंगे, आप 10 लाख की कंपनसेशन में यूं ही हमको आउट नहीं कर सकते हो, हम तो लड़ेंगे, हम 15 लाख कंपनसेशन लेके ही मानेंगे। तो आपने किया केस सरकार के अगेंस्ट, आप जीत गए, लेट अस अज्यूम आप जीत गए, तो आपको 10 लाख का कंपनसेशन तो सामने वाला दे चुका था, जैसे ही आपको 10 लाख का कंपनसेशन मिला आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी ट्रिगर हुई और आपने टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को पे कर दिया होगा। ठीक है,
अब आपका केस तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल केस खत्म हुआ और सरकार ने बोला हाँ बात तो सही है, 10 नहीं मिलने चाहिए आपको, तो 15 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और आपको ये जो एडिशनल 5 लाख है ये गवर्नमेंट ने आपके खाते में जमा कर दिए। अगेन एज इट इज रिलेटेड टू अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, बट व्हेनेवर यू रिसीव एन इनहैंस्ड कंपनसेशन आपके पास इसके अगेंस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इसी असेट पर आप ऑलरेडी मेन कंपनसेशन रिसीव कर चुके हो और इस असेट की कॉस्ट को आप उस कंपनसेशन के अगेंस्ट ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। तो अब जब आपको इनहैंस कंपनसेशन मिला है, इंक्रीज कंपनसेशन मिला है, उस कंपनसेशन के अगेंस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निल रखा जाएगा। क्यों निल रखा जाएगा? क्योंकि है ही नहीं, उस लैंड पे कैपिटल गेन लगा के तो पहले ही दे चुके हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निल माना जाएगा एंड इनहैंस्ड कंपनसेशन विल बी फुल्ली टैक्सेबल। आपके हाथ में पूरा पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, आप उसके अगेंस्ट कुछ माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दो बातें समझी, पहला तो नॉर्मल कंपनसेशन जिस साल रिसीव हुआ दैट विल बी द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, सेकेंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड इज योर सेल्स कंसिडरेशन। इफ देयर इज एन इनहैंस्ड कंपनसेशन तो आप क्या करते हो उस केस में आपका एडिशनल के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको आप अदर सोर्सेस में कि किसी दूसरे हेड में ले जाओगे, जाएगा तो ये कैपिटल गेन नहीं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ कैपिटल असेट। एंड नेक्स्ट इसके बाद अगर आपका कंपनसेशन रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? सो ये भी हो सकता है, रिड्यूस कब हो सकता है? सरकार ने डिसाइड कर लिया कि चलो 10 लाख देने हैं और सरकार के कोई दूसरे अधिकारी को या किसी दूसरे अथॉरिटी को ये लगा कि नहीं कंपनसेशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है 10 लाख जितनी कोई जमीन थी नहीं, हम इतना ज्यादा कंपनसेशन आपको नहीं देंगे, और बाद में आपको कंपनसेशन मिल चुका था, देन दे रिवाइज इट एंड रिड्यूस्ड इट। ठीक है, अब कंपनसेशन तो आपको रिसीव हो चुका है, हो सकता है आप रिटर्न भी फाइल कर चुके हो, अगर रिटर्न फाइल करना बाकी है तो ठीक है हम उसी साल सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कंपनसेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एंड यू हैव ऑल्सो फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम, देन वॉट टू डू? अब क्या करे? रिटर्न भर दिया, रिटर्न में कैपिटल गेन कैलकुलेट करके दे दिया, अब क्योंकि हमारा कंपनसेशन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल गेन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन ही कम हो गया तो कैपिटल गेन क्या हो गया? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। ऐसे सिचुएशन में व्हाट दे हैव सेड दैट अगर आपका इनहैंस्ड कंपनसेशन सॉरी आपका जो कंपनसेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन ऑफ इनहैंस्ड कंपनसेशन, तो फिर आपको आपका जो रिटर्न है उसमें रेक्टिफिकेशन करना होता है। रेक्टिफिकेशन इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने रिविजन ऑफ रिटर्न पढ़ा हुआ होगा एट एन इंटर लेवल, रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ा है। सो रेक्टिफाई करना मतलब कोई भी चीज अगर आपको कोई गलती मिलती है रिटर्न में, अगेन रेक्टिफाई करने के क्या क्या और ज्यादा कंडीशन होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम असेसमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन अभी के इतना समझ लेते हैं कि सपोज आपने कोई रिटर्न फाइल कर दिया है और अब आपको उसमें कुछ चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है, तो आप डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये गड़बड़ हो गई है सो प्लीज हमें इसे चेक चेंज करने का ऑप्शन दिया जाए, और इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि कब तक आपको अलाउड रहेगा, मतलब अगर इस साल का रिटर्न है तो कब तक आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा लाइफ टाइम तो दे नहीं सकते कि कभी भी किसी के भी मर्जी में आया कि चलो रिटर्न बदल देते हैं गलती हो गई थी, वैसा नहीं चलता, एक टाइम लिमिट होता है। सो रेक्टिफिकेशन दो केसेस में हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। एक केस होता है नॉर्मल कि आपने आपका रिटर्न फाइल कर दिया था और कुछ गड़बड़ हो गई एंड नाउ यू वांट टू रेक्टिफाई दैट रिटर्न, एंड सेकेंड केस होता है कि ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट, किसी और इवेंट के होने के कारण योर रिटर्न इज बीइंग अफेक्टेड, आपके रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं तो पार्टनरशिप हम सबने पढ़ा हुआ है, आपके बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप अकाउंट्स में, पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैं करूंगी कि पार्टनरशिप की बुक्स में सपोज आपने पूरा पार्टनरशिप अकाउंट बना लिया, P&L अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट सब कुछ बना लिया, और सब होने के बाद आपको याद आया कि शिट इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी बाहर वाले व्यक्ति से आपने इंटरेस्ट लिया था, लोन लिया था, मतलब पार्टनर का लोन नहीं, इन जनरल लोन है, बैंक से लोन लिया है, और उसके ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट रिपोर्ट करना था बुक्स में, वो रह गया। ठीक
ठीक है, अब याद आया है, आप सारी चीजें बना चुके हो, अपार्टमेंट कैपिटल और ये सब खुद बना चुके हो। अब आपको याद आया कि यार खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट तो हम ऐड करना भूल ही गए। जस्ट एक छोटा सा सवाल कि जैसे ही फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट करेगा, आप खर्चा बढ़ाओगे, खर्चा बढ़ाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही उस फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट होगा, क्या उस पार्टनर की कैपिटल पर कोई इंपैक्ट होगा या पार्टनर की बुक्स पर कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? हेलो, हाँ मैम, हाँ, सो क्या पार्टनर की बुक्स पर कोई इम्पैक्ट होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उनकी कैपिटल भी कम करना पड़ेगी। कैपिटल भी कम करना पड़ेगी, बिल्कुल सही है। तो हमने बेसिक से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। अब सपोज इमेजिन करो कि ये जो पार्टनरशिप है, ये अपना रिटर्न भी फाइल कर चुकी थी, ठीक है? अब रिटर्न विटर्न सब फाइल कर चुकी थी, और अब आपको यहाँ पर रेक्टिफाई करना पड़ा कि अरे ये इंटरेस्ट हम डालना भूल गए, पार्टनरशिप का प्रॉफिट कम हो गया एंड स्ट्रेट अवे इंपैक्ट आ गया पार्टनर के इनकम टैक्स रिटर्न पे। क्या हमें इस पार्टनरशिप फर्म के कारण इस पार्टनर का रिटर्न भी सुधारना पड़ेगा कि नहीं सुधारना पड़ेगा? हाँ, सुधारना तो पड़ेगा क्योंकि सुधारना उसकी पड़ेगा, इनकम। उसकी इनकम भी अफेक्ट होगी, बिल्कुल सही। तो जब आप ऐसे किसी कारण से रेक्टिफिकेशन करते हो, दो सेक्शन से रेक्टिफिकेशन से, 154 एंड 155, 154 डील करता है आपके खुद के रिटर्न में कोई गड़बड़ हुई है, मतलब जो पार्टनरशिप का रिटर्न रेक्टिफाई होगा वो कौन से सेक्शन में होगा? 154 में रेक्टिफाई होगा। लेकिन ये जो फर्म के कारण पार्टनर के रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें इस बेचारे की कोई गलती थी नहीं, उसने तो उसका रिटर्न बराबरी से भरा, बट फर्म के रिटर्न में चेंज आने के कारण इसके रिटर्न में चेंज आ गया। दिस विल बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 155, ठीक है? सो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है 155 में, वेन ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई योर ओन रिटर्न विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, आपके हाथ में नहीं थी कोई चीज। तो क्या लिखा है देखो, वेयर कैपिटल गेन हैज बीन चार्ज ऑन द कंपनसेशन फॉर एनी कैपिटल असेट एंड सब्सिक्वेंटली सच कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बाय द कोर्ट। आपने टैक्स वैक्स दे दिया, सब हो गया, और फिर कोर्ट ने बोला नहीं इतना कंपनसेशन नहीं देंगे, तो कम वापस लो, इतना कंपनसेशन तो बनता ही नहीं था। तो हमें हमारे कैपिटल गेन को रिकम्प्यूट करना होगा एंड हमारे रिटर्न को रेक्टिफाई करना होगा अंडर सेक्शन 155। 155 क्यों? क्योंकि वो जो इवेंट है वो हमारे हाथ में नहीं था, कोर्ट ने कंपनसेशन कम कर दिया, उस कारण से हमको हमारा कैपिटल गेन रिकम्प्यूट करना पड़ा, ठीक है? सो कंपनसेशन से रिलेटेड हमें तीन बातें ध्यान रखनी है, जिस साल रिसीव हुआ करेक्ट उस साल टैक्सेबल है, दूसरा अगर इनहेंस होता है तो क्या होगा, तीसरा अगर रिड्यूस होता है तो क्या होगा, एंड लास्टली अगर कभी आपका इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरिम का मतलब होता है बीच में, अभी कंफर्म नहीं है, फाइनल मतलब डिसाइडेड, सब कुछ हो चुका है, डन है, ठीक है? तो इंटरिम ऑर्डर कभी कभी सरकार क्या करती है, बीच में एक ऑर्डर दे देती है कि ठीक है अभी के लिए तो इतना फाइनल रखो, फिर देखेंगे और डिस्कशंस करेंगे, बट आज के पोजीशन के हिसाब से तो ये चीज फाइनल है, ठीक है? अगर आपके केस में कोई इंटरिम ऑर्डर दिया गया है तो तब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तभी आपको पेमेंट करना है। क्वेश्चन में कभी कभी दोनों डेट दे देते हैं वो, कि इंटरिम ऑर्डर रिसीव्ड ऑन दिस डेट एंड फाइनल ऑर्डर रिसीव्ड ऑन दिस डेट, so we are not supposed to get confused what they have said, compensation received in pursuance of an interim order deemed as income chargeable to tax in the year of final order, मतलब आपको अभी पैसा भी मिल गया लेकिन अभी आपका फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, अगर ऐसा हुआ है तो टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब आपका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? सो दीज पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड रिलेटिंग टू योर इनहेंस्ड कंपनसेशन एंड कंपनसेशन दैट इज योर कंपल्सरी एक्विजिशन। अब लास्ट एक सेक्शन और लेना है, दैट इज स्पेसिफाइड कैपिटल असेट, और उसके बाद फिर हम जो एडिशन हुआ है, जो मैं कल आपको बता रही थी कि बहुत मेजर पॉइंट के ऊपर एडिशन हुआ है, उस पर चलेंगे। सो स्पेसिफाइड असेट क्या होता है, अब अगेन इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
ये एक बहुत आम बात है जो आजकल बहुत ज्यादा हो भी रहा है। रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट। और स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, जिसे ट्राई पार्टराइट एग्रीमेंट भी कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है मिनिमम। होता क्या है बहुत बार कि सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, ठीक है, आई हैव अ लैंड विच इज वेकेंट, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं उस लैंड का कोई बहुत प्रोडक्टिव यूज भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं मेरे दूसरे कामों में रहती हूँ, आई एम एंगेज समवेयर एल्स, एंड मेरा लैंड कहीं पर है, लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर वहां पर कुछ काम हुआ तो मेरा लैंड का भाव एकदम बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि मैं उस लैंड के ऊपर ध्यान दूँ। तो मैंने क्या किया, एक लैंड एक हाउस डेवलपर से बात करी, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, उनको मैंने बोला कि सर मेरे पास लैंड है, उन लोगों को लैंड की प्रॉब्लम होती है, उनको घर बनाने होते हैं, डेवलपमेंट करना होता है, लेकिन उनके पास लैंड नहीं होती, मेरे पास लैंड है पर मुझे डेवलपमेंट करना नहीं है खुद होके, मैं खुद थोड़ी ना जाऊंगी और कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दूंगी। तो एक लैंड हाउस डेवलपर से मैंने बात करी और मैंने उसको बोला कि सर मेरे पास एक लैंड है, वो लैंड कुछ खास यूज आ नहीं रही, पर लैंड है बहुत अच्छी जगह पे, अगर आप वहां पर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स काटते हो, एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तो बहुत अच्छे दाम पे बिकेंगे फ्लैट, बहुत अच्छे दाम पे बिकेंगे, तो आप मेरी लैंड ले लो, उस पर कंस्ट्रक्शन करो, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे इतने इतने रुपए दे देना, या मुझे आपके जो भी बिल्डिंग बनाओगे उसकी ग्राउंड फ्लोर पूरी मेरे नाम कर देना। ऑब्वियसली मैं लैंड दे रही हूँ तो बदले में कुछ ना कुछ तो चार्ज करूंगी इसे। सो ये जो स्पेसिफाइड अग्रीमेंट होते हैं, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि लैंड किसी और की, डेवलपमेंट कोई और कर रहा है, और कस्टमर तीसरा ही कोई व्यक्ति है। सो दिस इन्वॉल्व्स थ्री डिफरेंट पार्टीज। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज कि जब मैंने मेरे लैंड को उस डेवलपर को हैंडओवर किया, तो मैंने उसके राइट्स उसे दे दिए, कहीं ना कहीं मेरी लैंड पर कंस्ट्रक्शन करने का जो राइट है वो मैंने उस डेवलपर को सौंप दिया कि भाई अब तुम जानो, और इस लैंड के बारे में तुम जानो, तुम ये बना लेना और ग्राउंड फ्लोर पूरी मेरे नाम पर कर देना। अब हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करी है कल कि सिर्फ असेट ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता, अगर आप राइट ट्रांसफर कर देते हो देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन्स, है ना, इफ यू ट्रांसफर अ राइट। सो असेसी के पास क्या दिक्कत आ रही थी, उसने बोला कि यार राइट तो मैंने आज दिया, पर आज की आज बिल्डिंग बन के थोड़ा तैयार हो जाएगी, मुझे कंसिडरेशन कब मिलेगा, 2 साल 3 साल हो सकता है बिल्डिंग बनने में टाइम लगे, एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल तो लग ही सकता है। तो टैक्सेबिलिटी तुम बोलते हो कि टैक्सेबल हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इट इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर तो आज ही हो गया क्योंकि मैंने मेरा लैंड तो आज ही सामने वाले को दे दिया, पर मुझे कंसिडरेशन तो कुछ मिला ही नहीं है अभी, मुझे बदले में तो कुछ भी मिला ही नहीं है अभी, सो व्हाई शुड आई पे टैक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम नॉट सपोज टू पे टैक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई हैव गॉट नथिंग इन रिटर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट दैट माई लैंड इज ट्रांसफर टू दैट पर्सन, उसके ऊपर अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को डिपार्टमेंट ने एक कंसेशन दिया है अंडर द केस ऑफ स्पेसिफाइड अग्रीमेंट कि आपके लिए हम आपकी टैक्सेबिलिटी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, देना तो वही टैक्स आज नहीं तो कल, देना तो वही टैक्स, लेकिन आज मत दो, हम भी आपकी बात समझते हैं कि ठीक है आपको आज ही अगर टैक्स देना पड़ जाएगा तो आपके आउटफ्लो बढ़ेंगे एकदम से, कैपिटल गेन टैक्स आएगा तो ऑब्वियसली पैसे सरकार को देने पड़ेंगे, तो आज आप आज मत दो, जब आपको मिल जाएगा जो भी आपको मिलने वाला है, घर मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, जो भी मिलने वाला, दोनों मिलने वाला है, थोड़ा सा दो रूम भी दे दिए और थोड़े पैसे दे दिए, तो जो जो आपको मिलेगा उसकी टैक्सेबिलिटी आप तब शिफ्ट कर देना। शर्त शर्त क्या है, तो शर्त ये है कि इस पर्टिकुलर केस में आपका जो ट्रांसफर है, मतलब जैसे आपको उसके बदले में जो पर्टिकुलर एसेट रिसीव हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैंड थी, मैंने मेरी लैंड को ट्रांसफर करा डेवलपर को, और डेवलपर ने मुझे बोला कि आपको ग्राउंड फ्लोर के सारे जितने भी फ्लैट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मान लो 5 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करेगा वो, ठीक है, तो जितने पांचों फ्लैट है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, अब ये पांचों फ्लैट मुझे मेरे पास रखने हैं या ये मैं किसी और को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है। उसने मुझे फ्लैट दे दिया, उसने मुझे ग्राउंड फ्लोर मेरे नाम पे कर दी, अब ये ग्राउंड फ्लोर मुझे रखना है या मुझे किसी और को ट्रांसफर करना है, दिस इज इन माई हैंड। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ वी विल पोस्टपोन योर टैक्सेबिलिटी, शर्त ये है बशर्ते दैट यू डू नॉट ट्रांसफर योर शेयर बिफोर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
जब कोई भी पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टीज बनाई जाती है तो रेगुलरली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो चेक करती रहती है कि आपका कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंचा, कितना कंस्ट्रक्ट हुआ। तो उस पर्टिकुलर केस में जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते हैं कि हाँ 20% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही अगर मैंने इन फ्लैट्स को किसी और के नाम पे कर दिया तो फिर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे उसी साल टैक्स देना पड़ेगा जिस साल ये लैंड मैंने डेवलपर के हाथ में रखी, अदरवाइज मैं मेरा ये बेनिफिशियल प्रोविजन यूज कर सकती हूँ। सो होता क्या है, जैसे हम अभी की बात कर लें इंदौर के हिसाब से, कि जो मेरी लैंड है वो कहीं बहुत ही आउटस्कर्ट्स में है, अब मैं तो वहां जाके रहूंगी नहीं, मेरा घर अलग जगह है, वो लैंड अलग जगह है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही डेवलपर ने मुझे अग्रीमेंट पे लिख के दिया कि एज सून एज द हाउस इज कम्प्लीटेड ग्राउंड फ्लोर विल बी हैंडेड ओवर टू यू, मैंने तुरंत एक और अग्रीमेंट बना लिया और मैंने ये सारे के सारा ग्राउंड फ्लोर किसी और को ट्रांसफर कर दिया कि मैं इस पर्टिकुलर ग्राउंड फ्लोर का राइट आपको दे रही हूँ कि जब ये बिल्डिंग बनेगी ये सारे फ्लैट आपके हो जाएंगे। ऐसे केस में आपका बेनिफिशियल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बेनिफिट किस चीज का है, बेनिफिट इस चीज का है कि टैक्सेबिलिटी को उन्होंने पोस्टपोन किया है। अब ध्यान से समझते चलते हैं, देखो इंडिविजुअल एचएफ एंटरिंग इनटू अ स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, इसे स्पेसिफाइड अग्रीमेंट के नाम से ही डिनोट किया जाता है सब जगह पर, इज द इंडिविजुअल एचएफ ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उस प्रोजेक्ट में इसका जितना भी शेयर है, जैसे हम हमारे केस में मान के चले ग्राउंड फ्लोर, तो वो जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसने सर्टिफिकेट आने के बाद किसी और को ट्रांसफर करी है या पहले? तो हाँ, यस, सर्टिफिकेट आने के बाद ट्रांसफर करी है। कैपिटल गेन विल बी अराइजिंग इन द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज इशूड। जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी उस साल आपको टैक्स देना है, अभी से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, तो जो भी आपको बदले में मिला है, अगर कैश मिला है तो कैश, अगर प्रॉपर्टी मिली है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जैसे हमने बात करी अभी कि ग्राउंड फ्लोर पूरा हमारे नाम कर दिया, तो वो ग्राउंड फ्लोर जो है, उस पर्टिकुलर ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो मेरे हाथ में क्या मान ली जाएगी, तो मेरे हाथ में परचेज का कंसिडरेशन, मतलब सेल करने का कंसिडरेशन मान ली जाएगी। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, नो, नो मतलब क्या, इज द इंडिविजुअल और एचयूएफ ट्रांसफरिंग हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले ही वो जो फ्लैट थे वो मैंने किसी और के नाम पे बेच दिए तो नहीं मिलेगा। टैक्सेबिलिटी विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू द डेवलपर, जिसमें आपने प्रॉपर्टी डेवलपर को हैंड ओवर करी। सो एक एग्जाम्पल ले, सपोज आज की तारीख ले लें 2021, आज डेट क्या है हमारी 22 21 जुलाई, 21 जुलाई 2021 को मैंने एक लैंड एक डेवलपर के हाथ में ट्रांसफर करी। उसका अग्रीमेंट ऐसा बना था कि जब भी ये लैंड कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे 20 लाख रुपए मेरे बैंक में रिसीव होंगे और 3 फ्लैट्स वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा इतना मुझे कंसिडरेशन मिलेगा। अब अगर मैंने इसके बदले में जो भी मुझे ये जो फ्लैट वगैरह मिल रहा है, अगर मैंने ये अभी ही ट्रांसफर कर दिया, मान लो मैंने 21 जुलाई के बाद, 21 22 23 24 25 26 28 ले लेते हैं, 28 जुलाई को मैंने ये जो फ्लैट्स थे, ये तीनों जो फ्लैट्स थे अभी बने नहीं है, अभी बनने की तैयारी चल रही है और मैंने लीगल पेपर्स तो है ही मेरे पास, घर बनने के पहले भेजा तो जा ही सकता है। तो 3 फ्लैट्स मैंने मेरे एक किसी कजिन के नाम पे कर दिए, से फॉर एग्जाम्पल कोई अमन के नाम पर कर दिए, और उसको मैंने बोला कि अभी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तभी 3 फ्लैट्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इस केस में मेरे हाथ में ट्रांसफर की टैक्सेबिलिटी कब आएगी, मेरे हाथ में ट्रांसफर की टैक्सेबिलिटी उसी साल आ जाएगी जिस साल मैंने ये असेट डेवलपर को ट्रांसफर करी। और अगर मैं इन 3 फ्लैट्स को बाद में बेचती हूँ तो फिर मेरी टैक्सेबिलिटी पोस्टपोन हो जाएगी, कौन से साल में, जिस साल मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। आ रही है बात समझ में, थोड़ा टेक्निकल है इसीलिए थोड़ा आराम आराम से समझा हमने, पर फिर भी कहीं पर दिक्कत रहेगी तो हम समझ लेंगे वापस। एक बार कंफर्म कर दो, अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। हाँ मैम समझ आ गया, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट केस,
45 सेक्शन का लास्ट केस जो कि एडिशन है, सब्स्टिट्यूट किया है हमारे ईयर के लिए. एंड अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो काफी साल से एक लिटिगेशन चल रहा था उस सेक्शन के ऊपर और अब उसे क्लेरिफाई कर दिया गया है. तो 45(4) को अब पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एक नए सेक्शन को डाला गया है. पहले बात कर लेते हैं कि नया सेक्शन क्या है एंड देन वी विल डिस्कस इट, अंडरस्टैंड इट. Notwithstanding anything contained in subsection 1, overriding है, where a specified person receives during the previous year. अच्छा, let me give you a backdrop first. This deals with reconstitution of a firm or dissolution of a firm. हम सब लोगों को पता है, अगेन हम सब ने पार्टनरशिप पढ़ी है, कि जब किसी भी फर्म का reconstitution होता है, reconstitution मतलब admission, retirement, death या dissolution होता है, फर्म बंद हो रही होती है, तो आपके जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको फर्म कुछ कुछ पेमेंट्स करती है ना. कभी कभी आप मॉनेटरी पेमेंट कर सकते हो, कभी कभी आप नॉन मॉनेटरी पेमेंट कर सकते हो. मतलब फर्म ने सपोज डिसोल्यूशन के समय पे कोई असेट पार्टनर को दे दी उसके कैपिटल के अगेंस्ट, या कोई पैसे वैसे दे दिए ताकि उसकी कैपिटल रिपे हो जाए. ऐसी सिचुएशन में क्या इसे ट्रांसफर माना जाएगा, सवाल पहला ये. दूसरा, अगर हाँ तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करी जाएगी, और तीसरा उस पर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी. ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है. सो व्हेन अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और कैपिटल असेट और बोथ, या तो पार्टनर को पैसा, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब यहाँ पे कौन है, पार्टनर, स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब यहाँ पर कौन है, फर्म. तो फर्म की तरफ से अगर पार्टनर को या तो पैसा मिला है, या तो असेट मिली है, या दोनों मिला है, इन कनेक्शन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी, उस फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण, या तो एडमिशन, या तो रिटायरमेंट, या तो डेथ, या तो डिसोल्यूशन, कोई भी चीज रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण, देन एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ सच मनी बाय द स्पेसिफाइड पर्सन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी, उस फर्म के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी. पहली चीज तो ये, तो कोई फर्म है ए एंड बी कंपनी, ये फर्म बंद हो गई. अब इसने, फर्म ने क्या करा, फर्म की जो लैंड है वो ए को ट्रांसफर कर दी. ठीक है, तो इन दिस केस ये जो टैक्सेबिलिटी है ये किसके हाथ में आती है, फर्म के हाथ में आती है. ऐसा माना जाएगा कि फर्म ने अपनी असेट को ट्रांसफर किया, फर्म ने अपनी लैंड को ट्रांसफर किया. ठीक है, अब शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और कैपिटल asset were received by the specified person. अब ध्यान से समझना, दो बातें अलग अलग है. Taxable तो firm के हाथ में है, लेकिन कौन से year में taxable होगा, जिस साल partner को वो पैसा या वो asset receive हो जाएगी. And notwithstanding anything contrary contained in this act, such profits shall be determined with the following formula. ये formula भी अपन बहुत logically समझेंगे. So basically यहाँ पर बोला क्या है इतने बड़े paragraph में, कि जब भी कोई firm अपने किसी पार्टनर को कोई असेट या कोई कैश या दोनों ट्रांसफर कर रही है, किस कारण से, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान ट्रांसफर कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, फर्म के हाथ में आएगी. और किस अमाउंट, सॉरी किस साल आएगी, तो जिस साल ये असेट या ये पैसा या जो भी आप दे रहे हैं वो पार्टनर को जिस साल रिसीव होगा, उस साल टैक्सेबिलिटी फर्म के हाथ में आएगी. ठीक है, अब टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, तो ए इज बेसिकली द इनकम चार्जेबल, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी. जितना भी आपको पैसा मिला मतलब कैश मिला, जो जो आपने कैश दिया सामने वाले को, दैट विल बी योर फर्स्ट अमाउंट. दैट इज से फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख का कैश दिया, कैश इन द सेंस, कैश का मतलब कैश, बैंक चेक सब कुछ होता है. ठीक है, कैश मतलब लिक्विड, ऐसा कोई असेट नहीं दिया है, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है. और इसके साथ कोई असेट भी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख. तो से फॉर एग्जाम्पल फर्म ने पार्टनर को 45 लाख का पेमेंट किया, ठीक है, असेट के रूप में या कैश के रूप में जो भी. और इस पार्टनर की रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पे कैपिटल थी, जो कैपिटल थी वो थी मान लो 10 लाख. अब थोड़ा सा मैं फिर से पार्टनरशिप में लेकर के जाऊंगी. क्या होता है, जितना ज्यादा आप चीजों को ऐसे समझते जाओगे, प्रैक्टिकली सोच सोच के करते जाओगे, उतना एग्जाम में तुमको हेल्प मिलेगा. कि अगर प्रोविजन नहीं भी ध्यान आया एग्जैक्टली, तो भी तुम दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे.
अब पार्टनर कैपिटल को अगर हम याद करते हैं तो पार्टनर का जितना भी कैपिटल होता है वो अल्टीमेटली पार्टनर को रीपे करना है अपने को, है ना। अब जैसे अगर किसी पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख, इसका मतलब क्या है कि उसने फर्म को 5 लाख रुपए दे के रखे, आगे चल के अगर कभी फर्म बंद होती है तो ये 5 लाख रुपए आप कैपिटल में के नाम पर उसको रीपे कर दोगे। तो ये जो 5 लाख उसको रिसीव हुआ, इसमें तो कोई एडिशनल बेनिफिट है नहीं, ये तो मिलना ही था, ये तो उसका खुद का पैसा था जो उसने फर्म में लगा के रखा है। इसके ओवर एंड अबव आपको जो जो चीजें रिसीव हुई हैं उसकी टैक्सेबिलिटी फर्म के हाथ में आएगी। तो देखो क्या बोला है, बी प्लस सी माइनस डी। बी मतलब जितनी कैश मिली, सी मतलब जितनी असेट्स मिली उनकी वैल्यू, और माइनस कर दोगे आप ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो माइनस कर देंगे हम ओपनिंग कैपिटल, तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एनी मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अमाउंट ऑफ बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फिर यहाँ पर गली बच गई, हम टैक्सेबिलिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो ध्यान से, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना है, यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख से फॉर एग्जाम्पल, बाय कुछ कुछ और आइटम्स लिखे, टू कुछ कुछ और आइटम्स लिखे, और यहाँ पे दिख रहा है तुमको क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन वापस से करूंगी मैं कि इस फॉर्मूले में डी की वैल्यू, डी मतलब क्या है आपका कैपिटल का बैलेंस, ज्यादा रहेगी तो फर्म को बेनिफिट है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कम रहेगी तो फर्म को बेनिफिट है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये डी की वैल्यू ज्यादा रही तो टैक्स मतलब इनकम, टैक्सेबल इनकम ज्यादा आएगी, कि कम रही तो टैक्सेबल इनकम ज्यादा आएगी, सोचो थोड़ा सा। डी का इस एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, ये डी मतलब यहाँ पे 10 लाख है, तब थोड़ा सा लॉजिक से सोचो कि 10 लाख से अगर बढ़ेगा तो इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर 10 लाख से ये कम हो जाएगा तो इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि अपनी कैपिटल बढ़ेगी तो फर्म को फायदा होगा, टैक्स कम लगेगा। वेरी गुड, करेक्ट। तो फर्म ने क्या रास्ते निकाले, फर्म ने ये रास्ते निकाले कि एक काम करते हैं, पहले हम रिवैल्यूएशन कर देते हैं। हम सबको पता ही है रिवैल्यूएशन पे होती है चीज, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है तब। तो फर्म ने क्या करा, जो असेट्स थी उनको पहले ही अपनी बुक्स में फेयर मार्केट वैल्यू पे लेकर के आ गई। मतलब अपन ये फर्म की बैलेंस शीट समझे, तो फर्म की असेट आ रही थी, मान लो लैंड आ रही थी 10 लाख पर फर्म की बुक्स में। अब फर्म को लैंड पार्टनर को ट्रांसफर करनी थी, ट्रांसफर करते समय उन्होंने क्या बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो इन मतलब वो आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। अब फेयर मार्केट वैल्यू तो हो गई है इस लैंड की 60 लाख, तो फर्म बोली कि है ये 10 लाख की लैंड जाएगी 60 लाख का कंसिडरेशन, लेट अस अज्यूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई कैश नहीं गया है। अब इसमें से हम पार्टनर की कैपिटल माइनस करेंगे, मान लो पार्टनर की कैपिटल है से फॉर एग्जाम्पल 6 लैक्स, तो आपका तो 54 लाख की इनकम हो गई, और सीधे सीधे 54 लाख टैक्सेबल चला जाएगा, तो इस पे तो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म अगर होगा तो 30%, नहीं तो जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से, और आपका टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो फर्म ने दिमाग लगाया, बोले क्या करें, तो माइनस जो चीज हो रही है उस पर दिमाग लगाना शुरू किया कि इसको अगर मैं बढ़ा दूं तो कुछ काम बन सकता है। तो फर्म ने क्या करा, फर्म ने एक एंट्री पास करी, लैंड अकाउंट डेबिट 50 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50 लाख। ये एंट्री अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी गलत नहीं है, हम सब जानते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट फर्म के पार्टनर्स में बांटा गया, और ये जिस पार्टनर की बात हो रही है से फॉर एग्जाम्पल, उसको इस प्रॉफिट में से मिल गए 20 लाख, ठीक है। उसका जो शेयर था उसके हिसाब से इस प्रॉफिट में से उसकी कैपिटल में गया 20 लाख। अब उसकी कैपिटल का बैलेंस था 6 लाख प्लस 20 लाख का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जुड़ गया, तो इसकी कैपिटल हो गई 26 लाख, ठीक है। अब फर्म ने क्या किया, अब फर्म ने कैपिटल गेन निकाला 60 लाख किया, माइनस करा 26 लाख, जितना आया उस पर बोल रही है अब हम टैक्स देने को तैयार है। सरकार ने बोला रुको,
अभी थोड़ा रुको, हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें हमने ये क्लियरली बोला है कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस लेना है दैट इज टू बी एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन, दोनों ही तरफ से एक्सक्लूड कर देना है। रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो भी गुडविल, सो गुडविल का अगेन यहाँ पर हमारा जो इम्पैक्ट होता है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, गुडविल के कारण भी आपकी ये बढ़ सकती है, कैपिटल की वैल्यू बढ़ सकती है, अगेन वी नो दिस। तो उन्होंने ये चीज क्लेरिफाई कर दी। तो अगर फर्म बुक्स में ये एंट्री करती भी है, बुक्स में करो, अकाउंट्स में करो, कोई मना नहीं कर रहा अकाउंट्स में करने के लिए, वो तो तुम्हारे हाथ में। इनकम टैक्स में जो कैपिटल आप उठाओगे उसमें ये 20 लाख का इफेक्ट हटा देना पड़ेगा, तो आपकी बची 6 लाख, टैक्स तो तुमको 54 लाख पे देना है, तुम यहाँ पर बच नहीं सकते हो, ठीक है। सो ये चीज जरूर से ध्यान रखनी है। एंड अगेन क्योंकि ये थोड़ा सा नया और टेक्निकल टाइप का टॉपिक डाला गया है, इस पर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये हमारा आया यहाँ पर कि कितने हिसाब से आपको टैक्सेबल लिखना है। ये देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टू बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन कैपिटल इन द अकाउंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ड्यू टू रिवैल्यूएशन और ड्यू टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एनी अदर सेल्फ जनरेटेड असेट। कोई भी खुद से बनाई हुई असेट, ये आप सब खुद से बना रहे हो ना, ये लैंड का रिवैल्यूएशन कर लेना, ये सब आपकी खुद की मर्जी चल रही है, तो ये अकाउंट्स में तो अलाउड है। गुडविल आप कैलकुलेट करते हो, किस भरोसे कैलकुलेट करते हो, भगवान भरोसे कैलकुलेट करते हो कि पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लिया, 4 साल परचेज ईयर मल्टीप्लाई कर दिए और निकाल ली गुडविल, सुपर प्रॉफिट, सब चीजें एस्टिमेटेड है, देयर इज नो बेस ऑफ दोस फॉर्मूला, है ना। आपने सब अपनी मर्जी से, आप 10 साल ले लो परचेज ईयर, गुडविल कहाँ की कहाँ पहुंच गई, गुडविल बढ़ गई, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस को आपको इग्नोर कर देना है। अब यहाँ एक और वर्ड ध्यान से देखना कि उन्होंने बोला है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन कैपिटल, अगर उसके कारण आपकी कैपिटल बढ़ रही है तो हम उस चीज को इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल बाकी की चीजें तो आपके वही है कि जो आपका स्पेसिफाइड एंटिटी इज योर फर्म, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म इज स्पेसिफाइड एंटिटी, एंड स्पेसिफाइड पर्सन मतलब आपका पार्टनर, ठीक है। नाउ दिस इज क्लेरिफाइड, सो आई होप ये सेक्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा पूरा अच्छे से। अब इसको कैसे नोट करना है, तो इसको आपने लास्ट सिर्फ इतना लिखा है, इसके आगे थोड़ा सा और हम ऐड करें, इसके आगे यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे If in a previous year, a specified person receives money or capital asset, or both, from a specified entity, in connection with the reconstitution of the specified entity, such profits or gains will be chargeable in the hands of specified entity
इन द ईयर, इन द ईयर इन विच सच मनी, इन द ईयर इन विच सच मनी और असेट इज रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन, जिस साल उसको मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, फर्म के हाथ में, है ना, वो चीज ध्यान रखने की है। नॉर्मली क्या होता है, उसी के हाथ में, सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल होता है। यहाँ पर क्या बोला है, रिसीव उसको होगा, पर टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आ रही है, इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी। अभी फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है कि कैसे निकालना है, बस लास्ट एक नोट लिख लो, कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड इग्नोरिंग द इंक्रीज बाय वे ऑफ गुडविल और रीवैल्यूएशन, इग्नोरिंग द इंक्रीज बाय वे ऑफ गुडविल और रीवैल्यूएशन। डन। चलो, सो यहां पर हमारा सेक्शन 45 पूरा कंप्लीट होता है, that deals with scope and year of chargeability. So what was the general rule? The general rule states कि जिस साल asset transfer हुई है उस साल taxability आएगी, but इसके कुछ कुछ exceptions हैं, कुछ कुछ specific cases हैं जिसमें अलग अलग सालों में taxability आ रही है और consideration भी अलग तरीके से निकाला जा रहा है, तो वो सारे cases भी हमने समझ लिए, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 46 और 46A पर। अगेन कंपैरेटिवली काफी लाइट सेक्शंस हैं जो अभी हमने बात करी। हाँ, ये अपन ने चार्ट के नीचे इसमें स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में लिखा है ना, एनएसी ऑफ शेयर ट्रांसफर, तो ये एनएसी क्या है? चार्ट के नीचे ये एनएसी, अच्छा अच्छा, ओह सॉरी, वो सी नहीं है, वो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। हाँ, नॉट एप्लीकेबल If share transferred on or before issue of completion certificate, जो हमने बात करी, है ना? चलो, so now 46 और 46A दोनों light sections हैं, बहुत basic sections हैं, फटाफट से complete हो जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे section 47 पर। तब तक एक एक मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप एक बार बस 45 सेक्शन को एक बार गो थ्रू कर लो नोट्स को, कहीं पर कोई चीज अटक रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो वो देख लेंगे, एंड देन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एक मिनट, चल करें कंटिन्यू। अब जैसे बात हमने अभी फर्म के लिए करी, वैसा ही सेम पॉइंट है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो लिक्विडेशन जब किसी कंपनी का होता है, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, अगेन लिक्विडेशन में कंपनी अपनी असेट्स को अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर सकती है। जैसे सपोज कंपनी का लिक्विडेशन शुरू हुआ, कंपनी ने अपनी सारी असेट्स रियलाइज करी, ठीक है, और आप उसके बदले में लायबिलिटीज रीपे करना शुरू करी। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, बहुत बार अकाउंट्स में लिखा हुआ होता है कि द शेयर होल्डर टुक ओवर असेट या पार्टनर टुक ओवर द असेट एट रुपीज 12 लाख या ऐसा कुछ भी, ठीक है। सो कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी ने असेट्स वगैरह रियलाइज कर ली और फिर लायबिलिटीज वगैरह पे ऑफ कर दी, अब जो पैसा बचा वो शेयर होल्डर को जाएगा। तो कंपनी ने क्या करा, सारी असेट्स बची हुई या सारी लायबिलिटीज जो सारा पैसा बचा हुआ शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया। जब आप एक कंपनी और शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर है। कैसे, कंपनी ने सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही शेयर होल्डर है, उसके पास 5 लाख के शेयर्स हैं, ठीक है। कंपनी ने एक असेट इस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दी क्योंकि कैपिटल रिपेमेंट तो करना ही था, फर्म बंद, कंपनी बंद हो गई है, और उस असेट की वैल्यू थी 8 लाख, ठीक है। इस 5 लाख के कैपिटल के बदले में कंपनी ने असेट दे दिया, तो एक ट्रांसफर तो इधर अट्रैक्ट हुआ, कंपनी ने अपनी असेट ट्रांसफर करी। और एक तरीके से क्योंकि अब कंपनी बंद हो रही है तो ये शेयर्स भी खत्म ही हो गए, मतलब अब इन शेयर्स का कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं,
एक तरीके से शेयर होल्डर के पास भी देखा जाए, अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं उसके शेयर्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है कि शेयर होल्डर अपने शेयर्स वापस कर रहा है कि हाँ कंपनी बंद हो गई, और उनके बदले में कंपनी उसको क्या दे रही है, असेट दे रही है। सो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर हो रहा है, इधर से कैपिटल असेट का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब सेम ट्रांजेक्शन को दोनों के हाथों में टैक्सेबल तो करा नहीं जा सकता। तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि दिस ट्रांसफर विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। उन्होंने बोला हम कंपनी के हाथ में ट्रांसफर नहीं मानेंगे, हम ट्रांसफर मानेंगे शेयर होल्डर के हाथ में, और हम शेयर होल्डर को उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करवाएंगे। अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू करते हैं। शेयर होल्डर के पास कैपिटल थी 5 लाख, बदले में उसको असेट मिल गई 8 लाख की। हिसाब सिंपल है, 5 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 5 लाख में शेयर्स खरीदे थे, 8 लाख में असेट मिल गई शेयर्स के बदले, तो 3 लाख का हो गया तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस। अब एक दिक्कत यहाँ पर और आती है, जब कोई कंपनी बंद होती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, नाउ वी आर टॉकिंग आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो हर केस में दिमाग में ये रखो कि लाइबिलिटी सारी पे ऑफ हो चुकी है, अब अपन शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, कंपनी की बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहे हैं, सपोज 10 लाख के, इस रिजर्व्स एंड सरप्लस पे किसका हक है? इस रिजर्व्स एंड सरप्लस पे भी शेयर होल्डर का हक है। कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस बनाती कैसे? प्रॉफिट में से पैसा रिजर्व में डाला जाता है, अगर वो रिजर्व नहीं बनाया जाएगा तो प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट शेयर होल्डर का है। तो पहले इतने सालों में जब से कंपनी फंक्शन कर रही थी, प्रॉफिट का थोड़ा 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 हिस्सा रिटेन अर्निंग में डाल डाल के कंपनी ने रिजर्व्स बना लिए, और अब कंपनी बंद हो गई, शेयर होल्डर को पैसे देने की बात आई, तो शेयर होल्डर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मुझे कैपिटल का रिपेमेंट तो चाहिए ही, ये जो 5 लाख का मैंने शेयर्स इन्वेस्ट करे, शेयर्स खरीदे, इसके बदले तो मुझे पैसा चाहिए ही। प्लस जो उस दिन कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने रिजर्व्स कंपनी के पास हैं उसमें से भी मेरा हक बनता है, तो मैं ये पूरे 3 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा। कैपिटल मेरा हक का पैसा है, वो मैंने ही खुद ने कंपनी को दिया था, अब कंपनी रीपे कर रही है, और जो रिजर्व्स हैं वो भी मेरे हक का पैसा है, वो कैपिटल गेन नहीं है। हाँ, कैपिटल और रिजर्व्स के ओवर एंड अबव अगर मुझे कुछ पैसा मिलता है तो उस पर मैं कैपिटल गेन टैक्स देने को तैयार हूँ कि मैंने जितना जितना मैंने पैसा लगाया था उससे ज्यादा मुझे रिटर्न मिल गया, बट रिजर्व्स और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब शेयर्स खरीदने की कॉस्ट पे मैं टैक्स इस हेड में पे नहीं करूंगा। तो जो मेथड है, जो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है, वो इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो अब समझते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है, कभी याद नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें, कि कंपनी के हाथ में जो टैक्सेबल नहीं है, पहली चीज, शेयर होल्डर के हाथ में उसको जो जो मिला है, अब उसको क्या क्या मिल सकता है, या तो उसको कोई असेट मिल गई, सपोज कोई फर्नीचर या कोई लैंड या कोई गाड़ी वाड़ी पड़ी थी फॉर्म के पास, कंपनी के पास, वो कंपनी ने शेयर होल्डर को दे दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दी असेट, अगर कोई असेट मिली है, या फिर मनी रिसीव्ड, अगर कैश मिल गया है तो जितना पैसा मिला है टोटल कर लो उसको, माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। ये सेक्शन फिर से अदर सोर्सेज में मैं रिपीट करूंगी, लेकिन 222C में वही कहा गया है कि जिस दिन आपका लिक्विडेशन हुआ उस दिन जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे ये भी शेयर होल्डर के हिस्से के हैं, ये कैपिटल गेन हेड की इनकम नहीं है, ये डिविडेंड का हिस्सा है, क्योंकि अगर ये रिजर्व नहीं बनाया होता तो कंपनी इस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी होती इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इन वॉट एवर ईयर दैट पर्टिकुलर रिजर्व वॉज क्रिएटेड। सो दिस इज अ डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, दिस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब अब जो पैसा मिला वो किसके लिए मिला? वो शेयर्स के लिए मिला। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के बाद साथ समझाऊं, तो सपोज कोई व्यक्ति है, उसके शेयर्स थे 2 लाख के, अब कंपनी ने उसको 8 लाख रुपए दिए बदले में, इसमें से उसके अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का जो शेयर था वो था 1 लाख, तो 1 लाख तो उसको रिजर्व्स के बदले मिला, बचा 7, ये 7 लाख उसको किस चीज के लिए मिला है?
ये 7 लाख उसको शेयर्स के लिए मिला है एंड दिस 2 लाख विल बी रिड्यूस्ड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अगर इंडेक्स कर सकते हो तो इंडेक्स हो जाएगा, बिकॉज इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देन आप उसको इंडेक्स करोगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द कैपिटल गेन और लॉस. ये जो डिविडेंड है ये कौन से हेड में जाकर के टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस. नाउ एक चीज और हो सकता है आप लोगों के वो टच में नहीं आई हो वो चीज, बिकॉज जब आपने इंटर पढ़ा होगा तब से बीच में अभी गैप आ गया है कि नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज अबॉलिश्ड. ठीक है, अगर आपके ऑफिस में काम होगा टैक्सेशन का काफी तो आपने देखा होगा, लेकिन नहीं है अगर तो डीडीटी जो होता था वो हट चुका है. ठीक है, पिछले साल से ही, बट आपने उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी है आप लोगों ने. सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब नहीं है. सो डिविडेंड एक नॉर्मल इनकम के जैसे शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है. ठीक है, तो ये जो डीम्ड डिविडेंड है ये उसके ही हाथ में टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है ऐसा नहीं है. यहाँ से माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल बट अंडर द हेड अदर सोर्सेस एंड नॉट अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. ठीक है, तो वहां से आप डिविडेंड हटा देते हो एंड देन यू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टैक्सेबिलिटी अगर लिक्विडेशन पर कोई असेट शेयर होल्डर को ट्रांसफर करी गई है. आगे चले, 46A इज रिलेटेड टू बाय बैक ऑफ शेयर्स. अगेन बहुत छोटा सा सेक्शन है और इजी सा सेक्शन है. जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है, बायबैक के केस में देयर इज अ चांस दैट कंपनी कैन अवॉइड डिविडेंड. मतलब जैसे बेसिकली कंपनी क्या कर सकती है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, और अब कंपनी को इसको बांटना है किसी तरीके से शेयर होल्डर्स में. तो कंपनी ये तरीका अपना सकती है कि बायबैक कर ले अपने शेयर्स को एट अ प्रीमियम. मतलब क्या, सपोज जो शेयर इशू हुआ था वो शेयर इशू हुआ था 10 रुपए में, मान लेते हैं प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो 2 रुपए और प्रीमियम के जुड़ जाते हैं. तो जब ये शेयर शेयर होल्डर ने खरीदा था, बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी खुद के शेयर्स वापस ले रही है ना, वापस खरीद रही है. शेयर होल्डर ने पहले खरीदे थे, अब शेयर होल्डर से कंपनी वापस ले रही है. तो जब ये शेयर्स शेयर होल्डर ने खरीदे थे तब कंपनी ने इसको 12 रुपए पे इशू किया था. ठीक है, अब जब कंपनी यही शेयर्स खुद के शेयर्स वापस ले रही है तो शेयर होल्डर को पैसे देते समय 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे रही है. ठीक है, बाय बैक पे प्रीमियम दे रही है. तो ये 8 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी के पास आए कहाँ से? कंपनी ने तो 12 रुपए में इशू किया था. अब कंपनी जब रीपे कर रही है एक तरीके से, बाय बैक कर रही है, तो 20 रुपए में कर रही है. ये 8 रुपए कहीं ना कहीं कंपनी के क्या होते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ऐसा हो रहा है कि आप आपके प्रॉफिट को बाय वे ऑफ बायबैक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बायबैक के रूप में आप अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये हम आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे. आपको इसके ऊपर बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा. जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ करता था, वैसे ही बायबैक पे जो इनकम आप पे कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर आपको बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा. और ये इनकम ऑब्वियसली क्योंकि आपने टैक्स पे कर दिया है तो शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन सिर्फ कब? फर्स्ट केस इट शुड बी अ बायबैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, अदर देन शेयर्स कोई और चीज का नहीं रहता. एंड इट शुड बी अ बायबैक ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी. एक डोमेस्टिक कंपनी है और उसने शेयर्स का बायबैक किया है तो ही बीडीटी लगाया जाता है. अदरवाइज ये एक नॉर्मल सेल परचेज जैसा ट्रांजेक्शन माना जाएगा कि शेयर होल्डर ने अपना शेयर बेच दिया, कंपनी ने पैसा दे दिया, तो शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबिलिटी आएगी अगर ये या तो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है या फिर शेयर्स नहीं है, कोई और सिक्योरिटी का बायबैक हुआ है. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. क्वेश्चन में अगर बायबैक के बारे में आता है, चेक इफ इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड इफ इट इज अ बायबैक ऑफ शेयर्स. इफ यस, then buyback distribution tax will be paid by the company at a rate of 23.296. ये rate भी कैसे निकलता है वो भी हम अभी समझ लेंगे. And otherwise वो shareholder के हाथ में taxable होगा. अब दूसरी important बात, पहले हो सकता है आपने पहले जब पढ़ा हुआ होगा तो आपने listed और unlisted के अलग अलग provisions पढ़े होंगे. Again that is removed. ठीक है, सो अब कोई ऐसे अंतर नहीं होता है. 5 जुलाई 2019 के बाद से ये अंतर हटा दिया गया है कि लिस्टेड पे अलग और अनलिस्टेड पे अलग, अब कुछ नहीं है.
वेदर इट इज ऑफ लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी प्रोविजन सेम है, बस ध्यान क्या रखना है कि डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और शेयर्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और है तो देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सो ये हम एक टेबल भी दे दिया हुआ है हमें हमारे मॉड्यूल का, वो भी हम देख सकते हैं कि देखो बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी है तो शेयर्स, लेकिन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर बायबैक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है बाय एनी कंपनी, शेयर्स नहीं है कोई और सिक्योरिटी है, अगेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इधर शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, 1034A के अंडर एग्जेम्प्ट है और 23.296 पे टैक्सेबल रहता है। 23.296 कैसे आता है आपका, 20 + 12 + 4, मतलब 20 का टैक्स प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस। तो 20 + 12% + 4% गिव्स यू 23.296 का बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करेगी इन केस ऑफ बायबैक। चलो ये दो चीजें नोट डाउन कर लो, 46 और 46A। देन वी मूव ऑन टू सेक्शन 47। अब बात करते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर्स, ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये जो मैंने नोट करा है ये मैंने इस हिसाब से नोट करा है कि एक जैसे सारे पॉइंट्स मैंने एक साथ समझ लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज आसान पड़े। तो पहले मैं एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन हर किसी का देते जाती हूँ और फिर जिस जिस पॉइंट पे मुझे लगेगा उस पे हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। आप चाहो तो साथ के साथ लिख भी सकते हो। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, मतलब अगर एचयूएफ का पार्टीशन हुआ है, अगेन दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके टैक्सेबिलिटी से बाहर हो जाती है। तो अगर एचयूएफ के पार्टीशन के दौरान कोई असेट आपको मिली है या कोई असेट का ट्रांसफर हुआ है, इट इज नॉट अ ट्रांसफर, ठीक है, तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर गिफ्ट विल के थ्रू आपको कोई चीज रिसीव हुई है, इनहेरिटेंस में आपको कोई चीज रिसीव हुई है, अगेन इट इज नॉट टैक्सेबल, उसके ऊपर कोई ट्रांसफर अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, जब उस असेट को आप खुद से आगे चल के ट्रांसफर करोगे तो फिर उस पर जरूर आपको टैक्सेबिलिटी लगेगी। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हारे कल के पीरियड ऑफ होल्डिंग वाली चीज से भी लिंक करेंगे, और आगे जब मैं सेक्शन 49 पढ़ाऊंगी तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग 47 और 49 तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों का लॉजिक सेम है जो मैंने कल आपको बताया था कि ट्रांसफर नहीं मानते उस चीज को, इसीलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू से पूरा आखिरी तक माना जाता है क्योंकि बीच के ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते, ठीक है। एंड सेम अप्लाइज फॉर 49। अब वो क्या है 49, वो आगे समझाऊंगी मैं आपको। सो बेसिकली कोशिश करना इंटरलिंक कर पाओ। नेक्स्ट होता है अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई असेट ट्रांसफर करी या सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर करी है, तब ट्रांसफर नहीं रहेगा ये इफ इट इज 100% सब्सिडियरी, ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स हैं उस सब्सिडरी के। एंड जो ट्रांसफरी है, मतलब दोनों केसेस में होल्डिंग से सब्सिडरी के पास गया है तो सब्सिडरी, और सब्सिडरी से होल्डिंग के पास आया है तो होल्डिंग, ट्रांसफरी जो है दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी, तो फिर ये बाहर हो जाएगा। अगर नहीं, मतलब मान लो होल्डिंग सब्सिडरी तो है पर 80% का शेयर है, होल्डिंग में तो 50 से ज्यादा चाहिए, तो मेरी कोई होल्डिंग कंपनी है 80% शेयर होल्डिंग है, असेट ट्रांसफर करी है, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कब एग्जेम्प्ट है, सिर्फ अगर 100% होल्डिंग है तो इसलिए ऐसे याद नहीं रखना है कि होल्डिंग सब्सिडरी है तो नॉट टैक्सेबल, पूरा पूरा याद रखना है कि तभी नॉन टैक्सेबल है अगर ट्रांसफरी इंडियन है और 100% होल्डिंग है। अगेन स्टॉक इन ट्रेड पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम जैसा ट्रीट किया जाएगा, उसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं होता। अब अमलगमेशन से रिलेटेड आपको चार अलग अलग पॉइंट्स है,
जब भी कोई कंपनी का अमेलगमेशन होता है तो उसमें इंटरनली बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं, एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर मान नहीं रहा। पहली चीज, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर करी, ठीक है, जो हम पढ़ते भी है अकाउंट्स में कि अमेलगमेशन हुआ, अमेलगमेशन में जो ए कंपनी है इट अमेलगमेटेड अलोंग विद ए बी, और ए की सारी असेट्स ए बी ने टेक ओवर कर ली, इस ट्रांसफर को डिपार्टमेंट ट्रांसफर कंसिडर नहीं करता, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या हो सकता है कि मेरे पास पुरानी कंपनी के शेयर्स थे और बिकॉज ऑफ दी अमालगमेशन मेरे पास नई कंपनी के शेयर्स आ गए, इन शेयर्स के बदले मुझे नई कंपनी के शेयर्स मिल गए, अगेन इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं बोलोगे कि मैंने पिछली कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, नो, बिकॉज इट इज इन कंसिडरेशन विद दिस स्कीम ऑफ अमालगमेशन। हाँ, अब जो नई कंपनी है उसके शेयर्स अगर मैं बेचती हूँ देन इट विल अमाउंट टू अ ट्रांसफर। अमालगमेशन में जो पिछली कंपनी होती है उसे अमालगमेटिंग कंपनी कहा जाता है और जो नई कंपनी है उसे अमालगमेटेड कंपनी कहा जाता है। तो वर्ड्स यूज करते समय ध्यान रखने हैं कि कब अमालगमेटिंग लिखना है, कब अमालगमेटेड लिखना है, ठीक है। तीसरी चीज हो सकती है कि कोई फॉरेन कंपनी है, इनको मैं डिटेल में ले जाऊंगी इन पॉइंट्स को, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, दोनों फॉरेन कंपनीज है, अमालगमेटिंग कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, अमालगमेटेड कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। क्या लिखा है देखो, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी हेल्ड बाय अमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी। दो अलग अलग फॉरेन कंपनीज है और दोनों अमालगमेट हो गई और उस अमालगमेशन के कारण इंडियन कंपनी के शेयर्स एक जगह से दूसरी जगह उठ के आए हैं, क्योंकि वो शेयर्स इंडियन कंपनी के हैं, दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। एंड लास्ट पॉइंट है कि कोई फॉरेन कंपनी है, अमालगमेटिंग कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, अमालगमेटेड कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, जो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है, जो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन वो भी फॉरेन कंपनी के हैं, बट दे डिराइव देयर वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम शेयर्स ऑफ एनी इंडियन कंपनी। उनकी जो वैल्यू है, उन फॉरेन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स के कारण फ्लक्चुएट होती है, तो अगेन वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सो क्या पढ़े एक बार, इस पे कुछ कुछ एडिशनल कंडीशन भी हैं। सो बात करते जाते हैं, सबसे पहला आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमने बात कर ही लिए गिफ्ट वगैरह। नेक्स्ट आपको बोला है अमालगमेटिंग टू अमालगमेटेड इंडियन कंपनी, यहाँ पर देखो इंडियन है, ठीक है, इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, तो दैट इज नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बाय अमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया फॉरेन टू फॉरेन है पर शेयर्स इंडियन कंपनी के हैं। However, इसको ट्रांसफर से बाहर करने के कुछ conditions हैं, वो conditions फुलफिल होना जरूरी है। क्या? At least 25% of shareholders of the amalgamating company should get shares in the amalgamated company। मतलब जैसे A company और B company दोनों मिलकर के A B हो गए, ये भी foreign है ये भी foreign है, यहां से वहां किसी Indian company के shares गए हैं, ठीक है, ड्यू टू द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, तो इसे उन्होंने बोला हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, बशर्ते, क्या शर्त है, कि यहाँ के जो शेयर होल्डर्स थे उसमें से कम 25% शेयर होल्डर्स ए बी कंपनी के शेयर होल्डर्स में आए हैं, प्लस सच ट्रांसफर शुड नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स इन द कंट्री इन विच द अमालगमेटिंग कंपनी इज लोकेटेड। जो अमालगमेटिंग कंपनी है, मतलब ए कंपनी जो है वो जिस भी कंट्री में लोकेटेड है उस कंट्री में भी इसे टैक्सेबिलिटी से बाहर रखा गया है, तो उन्होंने भी बाहर रखा इसीलिए हम भी टैक्स नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अगर टैक्स लगाया तो हम भी इसको ट्रांसफर मान लेंगे, ठीक है। एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को अमालगमेशन की स्कीम में इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करे हैं तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अमालगमेशन से रिलेटेड मैं सारे एक साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, ताकि आपको एक साथ ध्यान रखने में आसान रहे। फॉरेन कंपनी, यह भी हमने बात करी, शेयर्स फॉरेन कंपनी के हैं, अमालगमेटिंग कंपनी फॉरेन है, अमालगमेटेड कंपनी फॉरेन है, लेकिन वो जो शेयर्स हैं
उनकी वैल्यू इंडिया के किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिया के किसी कंपनी से डिराइव होती है, देन इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, प्रोवाइडेड अगेन वही दोनों कंडीशंस फुलफिल करने हैं आपको कि 25%। तो ये ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी के केस में अगर अमालगमेशन का केस आ रहा है तो आपको ये कंडीशंस दोनों कॉमन है। तो 25% आपका शेयर होल्डिंग होना चाहिए, और जो अमालगमेटिंग कंपनी है वहां पर इसको टैक्स में नहीं ले रहे हैं, तो ही फिर इसे टैक्सेबिलिटी से हम भी बाहर करेंगे। ठीक है, तो डिराइव कर रहे हैं वैल्यू फ्रॉम द शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। एंड लास्ट जो हमने शेयर होल्डर्स वाली बात करी थी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया है फॉर कंसिडरेशन इन द न्यू कंपनी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमालगमेटिंग कंपनी बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, अगेन दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इफ इट इज इन द कंसिडरेशन ऑफ द न्यू शेयर्स। नए शेयर्स के बदले आप पुराने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेम पॉइंट्स एज इट इज कॉपी पेस्ट डीमर्जर में भी आते हैं, ठीक है, एज इट इज। तो पहले तो हमने अमालगमेशन की बात करी, ठीक है, चारों के चारों पॉइंट्स, सेम चारों पॉइंट्स डीमर्जर की केस में भी टैक्सेबिलिटी से बाहर है। तो डीमर्जर क्या होता है? अमालगमेशन मतलब दो कंपनीज का साथ में आना, डीमर्जर मतलब अलग हो जाना। तो एक कंपनी थी, से फॉर एग्जाम्पल ए, इसकी एक कंपनी के दो अलग अलग हिस्से हो गए, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। इसे कहा जाता है डीमर्ज्ड कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी, और इसे कहा जाता है रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, इसे कहा जाता है रिजल्टिंग, कि ये रिजल्ट है इस डीमर्जर का, ये रिजल्ट है। पहले ये बी कंपनी, सॉरी बी नया बना है ना, बी के नीचे लिखना था मुझे रिजल्टिंग कंपनी। जो नया रिजल्ट आया, पुरानी ए तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही, सही, वो तो पहले भी थी, तो ये तो डीमर्ज है ही, लेकिन जो नई कंपनी हमारी एग्जिस्टेंस में आई, जो नया कंपनी रिजल्ट आया, इस डीमर्जर का रिजल्ट क्या रहा? तो इस डीमर्जर का रिजल्ट ये रहा कि एक नई कंपनी आ गई, कौन सी? बी कंपनी, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ये रिजल्टिंग कंपनी है, ये डीमर्ज कंपनी है। सेम सारी चीजें डीमर्जर में भी लगती हैं। तो एक एक करके वापस से डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला, डीमर्जर के थ्रू, मतलब ड्यू टू द ट्रांजेक्शन ऑफ डीमर्जर, डीमर्ज्ड कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर करी। ठीक है, कि एक कंपनी थी वो दो पार्ट्स में बट गई, तो उसकी असेट्स भी दो पार्ट्स में बट जाएंगी। ये जो ट्रांसफर हुआ, दिस विल नॉट बी अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। दूसरा, कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, वापस वही लॉजिक, जो डीमर्ज्ड कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है, जो रिजल्टिंग कंपनी है वो भी फॉरेन कंपनी है, लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंडियन कंपनी का शेयर है, नॉट ट्रांसफर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। तीसरा, क्या बोला था फॉरेन कंपनी का दूसरा, कि जो कंपनी है वो भी फॉरेन है, जो रिजल्टिंग है वो भी फॉरेन है, जो शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी फॉरेन कंपनी के हैं, बट दे आर डिराइविंग देयर वैल्यू फ्रॉम शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। एंड लास्टली, एक शेयर होल्डर जो कि पहले डीमर्ज्ड कंपनी का शेयर होल्डर था और अब उसको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल गए हैं ड्यू टू द डीमर्जर, ड्यू टू द प्रोसीजर ऑफ डीमर्जर, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। तो चारों पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम है, बस इधर बोला है अमालगमेटिंग टू अमालगमेटेड, इधर बोला है डीमर्ज्ड टू रिजल्टिंग, इधर बोला है कि आपके अमालगमेशन की स्कीम में हुआ है, तो इधर बोला है डीमर्जर की स्कीम में बोला है। तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये इंटरनल कंडीशंस का है। कॉन्सेप्चुअली सारे पॉइंट्स सेम है, पर जैसे मैंने अभी आपको 25% वाली और वो जो कंडीशंस बताई थी वो यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। तो वो क्या कंडीशंस है उनकी बात कर लेते हैं, फिर इतना आप लोग लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि सेक्शंस प्रोविजंस बहुत सारे हैं 47 में, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आगे चलेंगे। चलो, तो अब यहाँ पर क्या कंडीशंस है डी मर्जर में, क्या कंडीशंस है देखें। सबसे पहला तो सीधा सीधा है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय डी मर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग इंडियन कंपनी नॉट टैक्सेबल। ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी बाय अ डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी, डीमर्ज्ड भी फॉरेन है, रिजल्टिंग भी फॉरेन है, और शेयर्स जो है वो इंडियन कंपनी के हैं, यस इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर प्रोवाइडेड व्हाट आर द कंडीशंस, 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर्स, वहां 25% था या 75 है, याद रखने के लिए भी आसान है, 25 और 75 100 हो जाता है, तो उधर 25 है इधर 75 है, कि जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उसमें से एटलीस्ट थ्री फोर्थ मतलब क्या 75% ऑफ शेयर होल्डर्स आपके रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बने हैं, एंड सेम चीज जहां पर आपकी डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी है वहां पर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा, अगर वो लोग बाहर कर रहे हैं तो हम भी बाहर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज आएगी कि शेयर्स तो फॉरेन कंपनी के हैं बट दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अ शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, अगेन एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू कंपनी, टू द रिजल्टिंग कंपनी, एंड इट शुड नॉट अट्रैक्ट टैक्स इन द कंट्री इन विच द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो वहां हमने अमालगमेटिंग कंपनी का पढ़ा था, यहाँ पर हम डीमर्ज्ड की बात कर रहे हैं, कंडीशंस वैसी ही है, हाँ 25 था यहाँ 75 है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। दीज आर द केसेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर अमालगमेशन एंड डीमर्जर। चलो इतना अच्छे से लिख लो, टेक्निकल पॉइंट्स यही हैं सारे, बाकी के छोटे छोटे से हैं, सो वंस जस्ट राइट दीज थिंग्स, इतना लिख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने पॉइंट्स में शॉर्ट शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने कवर अप कर ली है यहाँ पर, तो इसको इसी तरीके से लिखना, कोशिश करना अगर अलग अलग कलर्स अवेलेबल हो तो ये हाईलाइट रहेगा आपके पास कि कहाँ 25 है कहाँ पे 75 है, वो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। चलिए इतना लिख लो, देन आगे बढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द अमालगमेटिंग एंड डीमर्जर, ऐसी ही चीजें बैंकिंग कंपनीज की केस में भी होती है, जैसे तुम लोग ने बहुत बार न्यूज में देखा होगा अभी आजकल की बैंक्स, 2-3 बैंक्स मर्ज हो गई, आरबीआई ने बोला कि नहीं बैंकों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स को दूसरी बैंक्स में मर्ज कर दिया गया, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगेन वो भी होते हैं, एक तरीके से अमालगमेशन ही है, बस वो ऐसा है कि वो कंपनीज एक्ट वाला अमालगमेशन नहीं है, वो थोड़ा सा एक अलग तरीके का अमालगमेशन, इसलिए उसके लिए अलग पॉइंट बना दिए। सो सेम चीज है बैंकिंग कंपनी के लिए भी है कि एक बैंकिंग कंपनी दूसरी बैंकिंग कंपनी में अगर मर्ज हुई है ड्यू टू अमालगमेशन या ड्यू टू बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो भी असेट ट्रांसफर हुई है उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, एंड सिमिलरली पुरानी बैंकिंग कंपनी के कोई शेयर होल्डर्स थे और उनको नई बैंकिंग कंपनी में अब अगर शेयर होल्डिंग मिल गई है उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, पूरा सेम है, बस अंतर यह है कि वहां पर आपका नॉर्मल कंपनी था, यहाँ पर बैंकिंग है, और यहाँ पर वैसे कोई कंडीशंस नहीं है कि 25% और ये और वो, क्योंकि ये नॉर्मली जो होता है ये सब एक प्रॉपर गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू होता है। आगे अगर कोई ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं जो कि एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करा है आउटसाइड इंडिया, नॉट टैक्सेबल। सिमिलरली कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर किया आउटसाइड इंडिया, नॉट टैक्सेबल। गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है, नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर किया आउटसाइड इंडिया, नॉट टैक्सेबल। स्पेसिफाइड कैपिटल असेट, कोई स्पेसिफाइड कैपिटल असेट है जो कि नॉन रेसिडेंट ने ट्रांसफर करी है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC, इसमें कौन सी कैपिटल असेट्स नोटिफाइड है वो भी दिया है, एक रीडिंग लगा लेने के लिए इनफ है, बाकी बहुत ज्यादा अब भी नहीं देखेंगे इसको, ये सब चीजें ऑलरेडी इंटरनेशनल टैक्सेशन में वापस से आएंगी से, तो ये वाले सारे आपके नोटिफाई करे गए हैं कि अगर ऐसी कोई स्पेसिफाइड असेट है तो फिर अगर वो इंडिया के बाहर आपने किसी IFSC मतलब क्या है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो होते हैं जो इंडिया के बाहर बनाए गए हैं उनके थ्रू अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रांसफर करा है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। नेक्स्ट इसके अलावा आपका रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इंडिया के कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं अगर वो रिडीम हुए हैं नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। कोई स्पेसिफाइड असेट अगर आपने गवर्नमेंट को या किसी यूनिवर्सिटी को दी है, ये पॉइंट अच्छा है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी छोटा सा,
जैसे होता क्या है, मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि कुछ पुराने एंटीक नोट्स या सिक्के, करेंसी, कोई पेंटिंग, ऐसी कोई चीज अगर आपको मिल गई है आपके घर पर, या सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, वो लोग पहले से थे, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले बॉर्न हुए हैं, और इंडिया में इंडिया की कोई हेरिटेज की या कोई भी कल्चरल हेरिटेज वाली चीज आपके पास है, तो आप अगर उसको सरकार के हवाले कर देते हो या किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च वगैरह के लिए दे देते हो, तो अगेन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। उसके बदले में अगर आपको पैसा मिला भी है तो भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो देखो, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई बुक है, कोई बुक मिल गई किसी पुराने फ्रीडम फाइटर की लिखी हुई कोई बुक है आपके पास, आपने वो ट्रांसफर कर दी, तो जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज वगैरह होती है, जो पब्लिक म्यूजियम्स होते हैं, इसमें यही सब रखा जाता है। हैदराबाद वगैरह में भी आप जाओ, या बहुत सारे अलग अलग जगह हैं जो दिल्ली में हैं, ऐसे म्यूजियम्स हैं, इंदौर में भी वैसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पुराने राजाओं की यूज करी हुई चीजें, या उनके द्वारा लाई गई चीजें, या उस जमाने की चीजें वहां पर रखी हुई है, क्योंकि आज तो हमको पता नहीं उस समय क्या होता था। तो वैसी कोई चीज अगर आप गवर्नमेंट को देते हो दैट इज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, आपको पैसे मिलते हैं उसके बदले, बट वो टैक्सेबल नहीं रहेगा आपके हाथ में। कन्वर्जन, कोई सा भी एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी में अगर कोई कन्वर्जन हुआ है, नॉट टैक्सेबल। अगेन मैंने कल भी ये बात आपको समझाई थी कि इसीलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरा शुरू से आखिरी तक माना जाता है, तो क्योंकि कन्वर्जन अगर हुआ है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हैं, कोई वो कन्वर्ट हुए, इक्विटी से प्रेफरेंस में चला गया, प्रेफरेंस से इक्विटी में चला गया, बॉन्ड्स के बदले आपको शेयर्स मिल गए, नॉट ट्रांसफर, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय अ सिख इंडस्ट्रियल कंपनी, कोई सिख इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसने लैंड वगैरह ट्रांसफर करा है अंडर उनका जो प्रोजेक्ट होता है रिहैबिलिटेशन का, या जो आप कह सकते हो कि एक सिख कंपनी से बाहर आने के अलग अलग प्रोविजन बनाती है कंपनी, उसके थ्रू अगर उसने कोई लैंड ट्रांसफर करा है, नॉट अ ट्रांसफर। एंड लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक है, वो कल से शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे, कि अगर कोई कंपनी कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको कोई कंपनी अक्वायर कर लेती है, या कोई कंपनी इसी तरीके से मतलब एक रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या इसे ट्रांसफर माना जाएगा, क्या इसे नहीं माना जाएगा, और क्या कोई कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती है ट्रांसफर नहीं मानने के लिए। तो ये काफी डिटेल में दिया है हमको, और काफी सारी कंडीशंस होती हैं इसकी, तो वो हम अच्छे से फ्रेश स्टार्ट लेंगे कल। बाकी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा बचता है, दैट इज रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज इज बेसिकली जब आप आपका एक स्कीम होता है, बेसिकली शायद याद होगा नहीं होगा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, कि कोई सीनियर सिटीजन अगर है, जैसे सपोज मैं सीनियर सिटीजन हो गई, अब मेरे पास कोई इनकम अर्न करने का सोर्स नहीं है, पर मेरे पास मेरा घर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि बैंक जो होती है, आप क्या कर सकते हो, आपकी असेट एक बैंक को दे सकते हो एज अ मॉर्गेज, और आपको उसके बदले पैसा मिलेगा, लेकिन वो एक नॉर्मल लोन जैसा नहीं है कि आगे चल के आपको रीपे करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए किया है, बिकॉज इट्स सीन नाउअडेज दैट द यंग पीपल डू नॉट केयर फॉर देयर पेरेंट्स। सो अब पेरेंट्स के पास घर है लेकिन कोई रेगुलर इनकम नहीं है तो खाएंगे कैसे। सो घर को आपने दे दिया, रहना आपको उसी घर में, आपको कहीं नहीं जाना है घर छोड़ करके, लेकिन बैंक के पास दे दिया, बैंक आपको रेगुलरली उसके बेसिस पे कुछ पेमेंट करती जाएगी, अगर आप चाहो तो लमसम भी रिसीव कर सकते हो। आप पैसे ले रहे हो, आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद जो लीगल हेयर्स होंगे उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके पापा का घर है, आपको चाहिए तो आप जितना पैसा उन्होंने उधार लिया है सूद समेत वापस कर दो और ये प्रॉपर्टी छुड़ा लो। अगर आपके मतलब जो बच्चे हैं उस सीनियर सिटीजन के, वो मना बोल देते हैं कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, घर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो कोई लोन वोन चुकाने नहीं वाले हैं, तो बैंक खुद उस घर को बेच देगी और जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा रिकवर कर लेगी। तो बेसिकली होता क्या है, सीनियर सिटीजन के ऊपर टैक्स का कोई बर्डन नहीं आता। तो ये जो ट्रांसफर हुआ, मतलब सीनियर सिटीजन ने अपना घर बैंक को गिरवी दिया, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, बैंक अगर बेचेगी घर और पैसा रिकवर करेगी उसे ट्रांसफर मानेंगे, वो अलग बात हो गई, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मेजर ये तीन ट्रांजेक्शन बचे हैं, इनको कल से लेकर के देन हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है चलो मैम।
बाकी यहाँ तक में आप भी रीड करते जाओ जिससे जिससे जितना जितना टाइम मिलता है, एंड देन कहीं पर भी कोई डाउट्स रहेंगे तो देन वी विल डिस्कस।